ये है अरिश्मा मरियम जो कि है तो 26 साल की और पाकिस्तान की पहली डोल प्लेयर भी है और साथ गाने भी गाती है। मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ, जो मैं चार्ज करती हूँ उससे डबल ट्रिपल मुझे ऑफर करते हैं कि जी हमारा मर्दों वाला इवेंट है तो वो आप कर दें। इनका लाइफ स्टाइल कैसा है और माहाना कितना कमाती है जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आप पाकिस्तान की पहली ऐसी खातून है जिन्होंने ढोल बजाने का ट्रेंड सेट किया, क्या सोच के ढोल बजाना स्टार्ट किया था? मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करने का शौक था, लाइक गिटार, हारमोनियम, कॉन्गो, उसके बाद आई जंप इनटू ढोल और जब से आई स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स डेफिनेटली होगा क्योंकि आपने इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा लिया है जिसके ऊपर लोग कहते हैं अंदर से उनका भंगड़ा फील आती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी थी भी नहीं जब आई स्टार्टेड ढोल, अभी मैंने देखा है काफी बंदियों ने जंप इन किए बहुत ज्यादा लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब कोई भी नहीं था। सो आप एक ट्रेंड सेटर भी इसका मतलब कहलाई जाओगे कल, क्योंकि आपने जब से ट्रेंड सेट किया वाकई आई हैव सीन मेनी फीमेल्स कि जो ढोल दो तीन ढोल भी अपने गले में डाल के वो गोल गोल घूम रही हैं और काफ़ी ट्रेंड सेट कर रही हैं। सो आपका पहला इवेंट कब और कहाँ हुआ? पहला इवेंट वाज़ इन लाहौर और बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि फाइनली जो मैं चाहती हूँ आई एम गोइंग टू डू इट और बहुत मज़ा आया। सीखा कैसे और कब? सीखने में जी बहुत बड़ी जर्नी है, मैं नाम नहीं लूँगी जिनसे मैंने स्टार्ट किया, डेथ हो चुकी भी उनकी, लेकिन अगर आज वो मुझे सिखा देते तो मैं कहती कि हाँ जी वो मेरे टीचर्स हैं, लेकिन अब वो उन्होंने नहीं सिखाया। काफ़ी सारे टीचर्स चेंज करने के बाद फिर एक रिक्शा के पीछे नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का, उस नंबर पर कॉल किया और उनसे कहा कि आप घर आएँ मुझे ढोल सीखना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आप उधर आते हो सीखने तो क्या रीज़न है? मैंने कहा जी वो नहीं सिखाते हैं। अच्छा चलें आप मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दिया करें, तो पिक एंड ड्रॉप थोड़ा मुश्किल था तो उनके सर आपको बाइक ले देते हैं, सर को बाइक ले दी और सर ने फिर आना शुरू कर दिया क्लासेस के लिए। सर दोपहर 1 बजे आते थे और फिर जाम सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता था और मैंने 1 महीना में शो करना स्टार्ट कर दिए थे। नाइस, ये तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अक्सर लोग होते हैं जो वो काफ़ी अरसा भी लगा लें तो वो बीट ही पकड़ पाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो ढोल है, वो कॉन्गो है, वो म्यूज़िक से हट के कुछ भी है, वो पेंटिंग है, कुछ भी है, आपका जितना इंटरेस्ट होगा ना आप अपने इंटरेस्ट से उसको गेन करते हैं, आप अपने पैशन से उसको सीखते हैं। शौक आपने अपना कंप्लीट जब किया या जैसे भी स्टार्ट किया आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? मेरी पूरी फैमिली जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्पेशली मेरी मदर और फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, तो फैमिली तो चले साथ होती ही है लेकिन पेरेंट्स का ज़्यादा सपोर्ट रहा है। आप मंथ के कितने शोज कर लेती हैं? ये तो कभी काउंट नहीं किया। सो और मंथ का कितना कमा लेती हैं? ये भी कभी काउंट नहीं किया। वाह, एक बंदा जो कमा रहा है वो ना अपना पर डे, अच्छा पर इवेंट आप कितना चार्ज करती हैं वो तो बता दें। 15 प्रो मैक्स। 5 से 6 लाख मतलब के मैक्सिमम राइट पर इवेंट? या अच्छा आप मेल्स इवेंट भी कवर करती हैं या यू हैव योर ओन बाउंड्रीज? नहीं मैंने मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं उनको मैं क्रॉस नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं करती ही फैमिली इवेंट्स हूँ, जो मैं चार्ज करती हूँ उससे डबल ट्रिपल मुझे ऑफर करते हैं कि जी हमारा मर्दों वाला इवेंट है तो वो आप कर दें कि जी आपको हम एक स्टेज दे देंगे, आप अपने बैंड मेंबर्स के साथ वो प्ले करें और हम सब आगे भंगड़ा करेंगे, हम दूल्हे की एंट्री करवाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे इवेंट्स मैंने आज तक नहीं किए और फर्दर इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं करूँगी भी नहीं। आप अगर 6 लाख पर इवेंट ले रहे हो फैमिली इवेंट्स के लिए, अगर कोई मेल इवेंट के लिए आपको 20-50 लाख भी देता तो क्या आप जाएंगे? 1 करोड़ भी दें मैं तब भी नहीं करूँगी। दैट इज़ द नाइस थिंग, क्योंकि अपनी बाउंड्रीज को रख के बंदा चलता है, ऐसे तो नहीं चलता। So, आप मैरिड हैं? नहीं नहीं। व्हाट इज योर एज? 26। यू आर 26, यू आर नॉट मैरिड, तो किस किस्म का लड़का चाहिए? किस किस्म का? अच्छा हो, गुड लुकिंग हो, और क्या होता है लड़के में, बस यही। और शरीफ और नेक नहीं, जिस तरह मर्जी हो, डांडी टाइप या लाइक आप कह सकते हो कि मॉडल टाइप हो? देखिए अगर हम बात करें लुक्स की तो वी आर नो वन कि हम किसी को कहें कि वो इस तरह की लुक्स होनी चाहिए, ये वो सब प्यारे होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने सबको बनाया तो सब प्यारे होते हैं, बस अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और क्या चाहिए।
ओके, अभी आगे आपने कोई जॉब करने का सोचा? मैं क्यों जॉब करूँगी? नहीं, कभी वो कहते हैं ना, मतलब कि एक्स्ट्रा बिजनेस होना चाहिए, लाइक कोई ऑनलाइन बिजनेस टाइप। मैंने एक दो बनाई हुई, सोची हुई है, वो इंशाल्लाह मेरा प्लान है। अच्छा, अभी तक कौन कौन सी कंट्रीज में परफॉर्म कर चुकी हूँ? चाइना और उसके अलावा दुबई और कमिंग अप में टर्की है और पेरिस है, वो मेरी बात चल रही है। वहाँ पे आपने कितने चार्जेस किए कि आप? 3 से 4 15 प्रो मैक्स तो होंगे ना एक शो के। मतलब कि व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज के पाकिस्तान पेज यू मोर या बाहर की कंट्रीज आपको ज़्यादा अकोमोडेट करती है? बाहर देखें, आपको स्पेसिफिकली आपने एक कोट कर दिया वो आपको मिलेंगे। पाकिस्तान में तो हमारा वेल सिस्टम भी चलता है, लेकिन मैं वेल के चक्रों में नहीं पड़ती हूँ। वो बहुत ऑड सिस्टम लगता है, एक तो ऑड लगता है मुझे, और मैं उस सिस्टम में भी नहीं पड़ती हूँ। तो हमारे इवेंट्स ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं। अगर बाहर मुझे कोई बुलवाते तो मैं ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हूँ, ज़ाहिर है बिज़नेस क्लास टिकट है, फिर स्टे है, वीज़ा है, वो फिर ज़ाहिर है जिन्होंने भी लॉक करने उनको मैं एक्सपेंसिव पड़ती हूँ। अप्रिसिएशन कहाँ ज़्यादा मिली है, बाहर की कंट्री में या पाकिस्तान में? दोनों दोनों। चाइना परफॉर्म किया तब भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन थी, दुबई वेडिंग इवेंट किया, एक्सपो किया, उसकी बहुत ज़्यादा लोगों को एक वाइब थी कि है लड़की ढोल वाली है। और उसके अलावा पाकिस्तान में तो कहीं भी परफॉर्म किया है तो लेडीज़ स्पेशली इतना कंफर्ट फील करती हैं, लेडीज़ ढोल को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाती हैं फीमेल ढोल की वजह से, मेल ढोल के साथ वो इतना इंजॉय नहीं कर पाती हैं। तो फीमेल ढोल का एक ये बेनिफिट है कि वो भंगड़ा ईजीली कर पाती हैं। आप कितनी बीट्स टोटल बजा लेती हैं? अब इसमें काउंट तो नहीं हम कर सकते हैं कि जी मैं 2 बीट्स प्ले करती हूँ, मैं 4 बीट्स प्ले करती हूँ। कुछ आपकी अपनी क्रिएशन होती है, कुछ आपने वैसे ही प्ले करते हुए समटाइम क्या होता है कि गलत स्टिक लग जाती है, लेकिन वो गलत स्टिक समटाइम्स आपको वो अच्छी लग रही होती है कि यार ये साउंड अच्छा दे रहा है, तो आप उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आप काउंट नहीं कर सकते हैं आपको कितनी बीट्स आती हैं, उसमें तो थाउजेंड ऑफ बीट्स हैं। आपने खुद कितनी क्रिएशन की अभी तक? क्रिएशन में अभी मैंने एक दो ही की हैं। सो ढोल, कीपिंग ढोल अपार्ट नाउ, सिंगिंग का शौक कब पैदा हुआ और सिंगिंग में कब आपने कदम रखा? सिंगिंग जो भी मैं सीख रही हूँ, जिशान रोकरी सब के साथ मैंने काफ़ी सारे कलेबरेशन किए हैं, और मैं प्रॉपर उर्दू स्पीकिंग हूँ, वो प्रॉपर सराइकी स्पीकिंग है। उनके साथ मैंने एक पश्तो ट्रैक किया और 1 2 3 4 5 मैंने सराइकी ट्रैक किए, जिसमें से एक मैंने गाया भी। और जिशान बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं, खुद भी वो बहुत मेहनती और मुझे भी बहुत मेहनत कराई सराइकी गंवाने में, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टोन है और थोड़ा मुश्किल था काफ़ी। और कमिंग अप में है सॉन्ग जिशान के साथ। आई मैं भी आपको अपना रूम विजिट कराती हूँ, मेरा मेकअप रूम है जिसमें तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। मेरे पास ह्यूज नेल पॉलिश कलेक्शन है, मैं नेल पॉलिश के बगैर नहीं रह सकती हूँ। आई कैन लिव विदाउट मेकअप बट आई कैन नॉट लिव विदाउट नेल पेंट। उसके अलावा जी मैं ज़्यादातर मेन परफ्यूम्स लगाती हूँ, ये आदत मुझे अपने फादर से पड़ी है, क्योंकि उनके परफ्यूम्स मैं लगाती थी। तो मेरे पास अगर 20 परफ्यूम्स हैं तो 20 में से 19 परफ्यूम्स में वो मेन परफ्यूम है। मैंने सारी आपकी कलेक्शन बाहर की है, बाहर से लिए कि यहीं से लोकल लिए? कुछ बाहर से लिए, कुछ यहीं से लिए। कुछ गिफ्ट्स? नहीं, गिफ्ट्स मुझे कम ही मिलते हैं। अच्छा। मैं देख सकती हूँ कि आपके पास एक बॉडी स्प्लैशेस की भी बहुत बड़ी रेंज है। ये बॉडी इन बात की रेंज मैं खुद से ही लेके आई थी जब मैं उमरा करने गई हुई थी, ये बॉडी इन बात से फिर मैंने खरीदे। फिर मुझे फ्रेग्रेंस कैंडल्स का बहुत शौक है, और ये इसकी भी मेरे पास पूरी रेंज है। कुछ बाहर पड़ी हुई है, कुछ नीचे पड़ी हुई है, कुछ ये ऊपर रूम में है। मुझे फ्रेग्रेंस कैंडल्स बहुत पसंद है, तो मैं फिर यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। आपका हमने मेकअप रूम तो देख लिया, अब चलें आपकी एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। कुछ जिम चल के एक्सरसाइज भी करते हैं, चलें। ड्राइविंग कब सीखी आपने? ड्राइविंग मैं बहुत छोटी थी जब मैं ड्राइव स्टार्ट कर दी थी, आई गेस 2010 की बात है यहाँ। और अपने घर में प्रो ड्राइवर हूँ मैं। प्रो ड्राइवर मतलब? मतलब जैसे रिवर्स लेके जाना, रिवर्स गाड़ी लगा लेना, छोटी सी जगह से भी गाड़ी गुजार लेना, रेसिंग करना, ये सब किस्म की ड्राइवर है आप? हाँ, मेरे घर वाले कहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने में आप लाइक ज़्यादा इंटरेस्टेड बंदा होता है? कितना मज़ा आता है आपको फ्रेंड्स के साथ जाने में आने में? या मेरा जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो मेरी मदर के साथ ही होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी मदर के साथ ही घूमूँ।
लंच करना है, डिनर करना है, बाहर घूमना है, शॉपिंग पे जाना है, मैं मामा के साथ ही जाऊँ। फ्रेंड्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा बेस्ट टाइम होता है वो मामा के साथ ही गुजरता है। सो आजकल हम एक स्टोरी सुन रहे हैं आपके बारे में कि शायद ज़ीशान के साथ आपका कोई बहुत ज़्यादा अफेयर लाइक स्कैंडल्स बन रहे हैं, उसका क्या सीन है, वो क्या स्टोरी है? हमारी कलेब्रेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम करते हैं, हमारे सॉन्ग्स जो हैं वो ट्रेंडिंग पे रहते हैं, तो लोग अपने चैनल को बूस्ट देने के लिए ज़ीशान रोकड़ी या रिश्मा मरियम का अफेयर की वीडियो मंजर आम पे आ गई प्लस। हाँ, तो वो सिर्फ व्यूज़ लेने का एक तरीका है, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ीशान इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ज़ीशान इज़ वेरी गुड कॉलीग ऑफ माइन, इसके अलावा कुछ ऐसी बात। सो हेल्दी रहने के लिए ट्रेडमिल के अलावा और कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करती हैं? जैसे मैंने आपको बताया मैं ट्रेडमिल के अलावा और कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा बैक पेन निकल आता है, मैंने ढोल उठाना होता है, तो मैं सिर्फ ट्रेडमिल ही करती हूँ। और वेट को मेंटेन करने के लिए कौन सी डाइट लेती हैं? वो मामा बनाती हैं और मामा को पता होता है जब मैं डाइट पे हूँ मैंने क्या खाना है। डेली ज़ाहिर है चेंज होता है क्योंकि मेरा दिल ना भर जाए, बॉइल्ड एग हो गया, साथ में एक स्लाइस हो गया ब्राउन ब्रेड का, कभी कभार पीनट बटर के साथ हो गया, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, फिर दोपहर में फ्रूट्स आ गए, फिर उससे शाम में जब मंचिंग का मूड होता है तो मामा कभी कोई स्टेक बना लेती हैं, कुछ स्टीम चिकन बना लेती हैं, रात में फिर जो घर में कोई भी ग्रेवी बनी हुई है, कोई वेजिटेबल बनी हुई है या चिकन बना हुआ है, वो फिर एक रोटी बस। सो राइट नाउ वी आर एट नेल बार और नेल बार इज़ माई हैप्पी प्लेस। नेल बार की जो ओनर है अनीशा, शी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, तकरीबन 10 साल से तो वो मेरी दोस्त हैं और कोई 20 ईयर से मेरी बहनों की दोस्त हैं। अच्छा रिश्मा, मुझे आप एक बात बताओ, अपनी स्किन को फ्रेश रखने के लिए क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? अच्छा मुझे एक्ने आती जाती रहती है जिससे स्किन के हैप्पी एंड सैड डेज होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपका मेकअप हुआ वो होता है, फिर लाइट्स की हीट पड़ती है, तो मुझे एक्ने ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती है, तो मेरी डॉक्टर मैविश हैं जो वो मुझे कंसल्ट करती हैं, जो मुझे बताती हैं, फिर मैं उसी को फॉलो करती हूँ। सो आप फेशियल वगैरह मंथ में कितनी दफ़ा ले लेती हैं? जो कि इवेंट्स भी ऑफ एंड ऑन आते हैं, ऑब्वियसली आपको यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक लाइक अपने आप को प्रेजेंटेबल होना पड़ता है हमें। और अच्छा मैं फेशियल वगैरह के लिए इतना फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, ज़्यादा मैं नेल बार आती हूँ, मैनी पेडी, हाथ पैरों का। आई थिंक यू लव नेल पॉलिशेस। या एक्चुअली ये ज़्यादा कलेक्शन घर में भी नेल पॉलिशेस की है। बस मैं जैसे आपको बताया कि मैं मेकअप के बगैर रह सकती हूँ, नेल पॉलिश के बगैर नहीं रहा जाता। सो इसी के साथ मुझे और रिश्मा को इजाज़त दीजिए, इसके बाद आई गेस वी आर गोइंग फॉर डिनर, सो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।